केंद्र सरकार द्वारा गाड़ी चलाने को लेकर, वाहन चलाने को लेकर नए कायदे कानून आने वाले हैं, जिसके अंदर सीट बेल्ट और रेयर सीट यानी कि पिछली सीट पर भी कंपलसरी होगा। फिलहाल इस मर्सिडीज कार की यात्रा करने के दौरान आपको बताएंगे कि नए कानून आने के बाद क्या क्या नए परिवर्तन जो है वो चालकों को देखने पड़ेंगे। फिलहाल हम एक कार के अंदर जहाँ ट्रेवल कर रहे हैं मर्सिडीज में, आपको कुछ बीप की आवाज़ जो है, बजर की आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। उसकी वजह ये है क्योंकि मैं खुद ड्राइवर सीट के नेक्स्ट में बैठी हुई हूँ और मैंने अपना सीट बेल्ट नहीं लगाया है। लेकिन अब यहाँ से हम जो है आपको पूरा डेमो दिखाते हैं कि सीट बेल्ट लगाने के बाद जो है, ये देखिए यहाँ पर हमने अपना सीट बेल्ट लगाया और ये जो बीप की आवाज़ थी, बजर की आवाज़ थी, ये बंद हो चुकी है। लेकिन मेरे बिल्कुल पीछे जिग्नेश भाई बैठे हैं जिनकी ये गाड़ी है, उनसे बातचीत करेंगे और आप दिखाएंगे आपको तस्वीरों के जरिए कि उन्होंने फिलहाल सीट बेल्ट पहना है या नहीं, वो देखेंगे। फिलहाल उन्होंने देखिए सीट बेल्ट नहीं पहना है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। आपको बता दें कि जो नई गाड़ियाँ आएंगी या नए जो रूल्स आएंगे उसमें पीछे वाले व्यक्ति को भी सीट बेल्ट लगाना जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। तो फिलहाल जिग्नेश भाई, अगर आप सीट बेल्ट लगा कर बता दें कि पिछले जो सीट पर बैठेंगे उस व्यक्ति को भी ऐसे ही सीट बेल्ट जो है वो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है इसी तरीके का जो बीप है, जो हॉर्न है, वो बजता रहेगा। जब जिस तरीके से कि ड्राइवर सीट के नेक्स्ट पर बैठने से ये जो साउंड है ये बजता रहता है। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री की मौत की जो एक बड़ी वजह है वो ये बताई जा रही है कि उन्होंने खुद जो है पीछे रेयर सीट में बैठते हुए सीट बेल्ट को नहीं लगाया था और इसी के चलते जो है हमने देखा कि किस तरह से उनकी मौत हुई इस दुर्घटना में। और इसी वजह से अब जो है केंद्र है जो नए कायदे कानून ला रहा है कि जिस तरह से ड्राइवर सीट के नेक्स्ट में बैठे हुए पर्सन को, व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है, वैसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति को भी सीट बेल्ट लगाना होगा। हालांकि आगे इस गाड़ी में और कितनी तकनीकी चीज़ें होंगी ये भी हम जानेंगे जिग्नेश भाई से। जिग्नेश जवेरी जी पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वो खुद ऑटो एक्सपर्ट भी हैं और बताएंगे। देख पा रहे हैं आप कि अभी भी ये जो बीप का साइन है वो इसी तरीके से बजता रहेगा। अभी आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे इन्होंने सीट बेल्ट पहना हुआ है, ठीक है, तो ये बीप का साइन आगे वाले व्यक्ति के लिए है। लेकिन अगर आप सीट बेल्ट यहाँ से निकाल देते हैं तो भी फ्यूचर में जो है इसी तरीके का जो बीप है वो बचता रहेगा, जिससे कि आगे वाले के साथ साथ जो पीछे वाला व्यक्ति है वो भी अपने सीट बेल्ट को लगाए और अपनी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान दे। सर बताइएगा खाली कि इस वक्त आपने जो एक्सप्लेन किया हम लोगों को कि सीट बेल्ट लगाने और नहीं लगाने पर कोई फ़र्क नहीं दिखा, लेकिन क्या असर पड़ेगा इसको लगाने और नहीं लगाने से? सीट बेल्ट अगर लगाते हो तो क्या होता है कि जो डैश होने के चांसेस है, सडनली समझो कि डैश हो गया, कहीं लग गए, मैं आपको सीट बेल्ट पहन के बताता हूँ कि कैसे हो सकता है। पहले सीट बेल्ट पहन के बताता हूँ। अभी देखिए ये और ये डबल मेरा प्रोटेक्शन है। अगर सपोज़ सडनली कहीं भी आगे से ठुकती है, लेफ्ट साइड से, जैसे कि सारेश भाई की लेफ्ट से ठुकी गाड़ी, अगर डैश हुआ तो ये मैं, ये देखिए मुझे इधर तक जाने नहीं दे रही है। अगर सपोज़ मैं सीट बेल्ट नहीं पहनता हूँ, ये इधर और ये ना इधर, क्योंकि दोनों साइड से मुझे पकड़ा हुआ है। अगर मैं ये सीट बेल्ट निकाल देता हूँ और फिर अगर समझो कि मेरा जर्क आता है तो मेरे पूरे चांसेस है कि जहाँ मेरा मतलब यहाँ डैश होने का, या यहाँ मैक्सिमम चांसेस होते हैं जो शायद हुआ है अभी तो। और दूसरी बात है कि टेक्निकली जब आप पैसेंजर गाड़ी को, ECM जो कंट्रोलर है उसमें ऐसा होता है कि ये सीट बेल्ट पहनने के बाद ये इधर बैग है, एयर बैग है, ये सीट बेल्ट के साथ में यहाँ सेंसर होता है, तो अगर मैंने बेल्ट पहना है तो इट्स मीन गाड़ी को ये मालूम है कि पैसेंजर बैठा हुआ है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि पैसेंजर पीछे नहीं है तो वो एयर बैग नहीं खुलेगी। अगर मैंने सीट बेल्ट पहना है तो एयरबैग खुल जाएगी अगर कोई कभी भी डैश होता है तो। ये आज साइरस मिस्त्री की मौत के बाद अब कार चालकों के लिए जो कायदे कानून है वो बदलने वाले हैं और पीछे जो आप हमारे एक बजर सुन पा रहे हैं TT जिसकी एक आवाज़ है, वो आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊं कि अगर आप कार में सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो ये जो बजर है लगातार इसी तरीके से बजता रहेगा। लेकिन वही यद्यपि अगर मैं अपना सीट बेल्ट जो है दोबारा से लगा लेती हूँ साफ तौर पर, तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। और जैसे ही मैंने मेरा सीट बेल्ट लगाया वैसे ही ये जो बजर की साउंड थी
वो बंद हो गई। लेकिन ये तब की बात है जब मैं आगे बैठी हूँ ड्राइविंग सीट के बिल्कुल बगल में, लेकिन अब से ऐसा बजर उन व्यक्तियों के लिए भी बजेगा जो कि पिछली सीट पर बैठते हैं और सीट बेल्ट को नहीं लगाते हैं। यानी कि अभी भी जो पीछे है जिग्नेश जवेरी बैठे हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने यहाँ पर सीट बेल्ट देखिए फिलहाल आपको नहीं लगाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बजर गाड़ी में नहीं बज रहा। लेकिन फ्यूचर में अगर पीछे रेयर सीट पर बैठने वाला व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो इसी तरीके से बजर तब तक बजता रहेगा जब तक वो सीट बेल्ट नहीं लगा लेते, जिससे कि सिक्योरिटी पर्पस जो है सरकार का वो पूरा हो सके और एक्सीडेंट जो सीट बेल्ट न पहनने की वजह से होता है उसे टाला जा सके। रेयर सीट बैक सीट पर सीट बेल्ट लगाना जो कंपल्शन होने वाला है, यद्यपि आप नहीं लगाते हैं तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी इसको लेकर। और थोड़ी सी अगर हम बैक सीट में ही बैठे हुए हैं तो जानकारी लेंगे जिग्नेश जवेरी से जो कि खुद ऑटो एक्सपर्ट भी हैं। सर क्या कुछ चेंजेस आएंगे जब ये कंपल्शन हो जाएगा? ये चेंजेस ऐसा आएगा कि पीछे अगर सीट बेल्ट नहीं बनाया तो शायद 1000 रुपीज़ का कुछ पेनल्टी आएगा, लेकिन अभी कितने दिन में बजर के लिए जो बोल रहे हैं कि बजर बजना चाहिए वो कितना मैन्युफैक्चरर कितने जल्दी इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि उनको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनको भी कुछ टेक्निकली दिक्कत आ सकती है, उनको सेंसर वहाँ लगाने पड़ेंगे कि भाई जैसे कि आगे का सीट बेल्ट नहीं पहना है तो जो बीप बजती रहती है वैसे पीछे भी करने के लिए। और ज़्यादातर अपने वहाँ ऐसा है कि पीछे 3 जन बैठते हैं, ये अगर 3 जन बैठेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सीट बेल्ट पहन रहा हूँ। ये एक इधर है, ये एक मैं हो गया बरोबर है, ये दूसरा है, ये उसका दूसरे का सीट बेल्ट यहाँ है बरोबर है, और ये तीसरी सीट बेल्ट यहाँ हमारे पास है। लेकिन एक साफ तौर पर यहाँ पर चैलेंजिंग चीजें ये हो जाती हैं कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ दो लोगों के बैठने के बाद इसमें तीसरे व्यक्ति की जगह भले आपको दिख रही है बट सीट बेल्ट लगाना तीसरे व्यक्ति के लिए एक चैलेंजिंग काम भी हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जो लग्जरियस गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं वो यहां पर या तो एक छोटा बच्चा बिठा सकते हैं या तो चार ही बैठ सकते हैं। इसमें ऐसा होगा कि ये 5 का नहीं पर अभी ऐसा बोल सकते हैं कि ये 4 सीटर ही है गाड़ी। क्योंकि हाँ गाड़ी 4 सीटर हो सकती है, इतने पोर्शन में शायद छोटा बच्चा भी सीट बेल्ट लगा के कम्फर्टेबली बैठना बहुत मुश्किल वाली बात है, जो आप देख रहे हैं कि इतनी खाली स्पेस है। और उसमें भी अगर समझो कि थोड़ा सा हेफ्टी होगा, जैसे कि हम दोनों स्लिम है, अगर कोई हेफ्टी होगा तो इतनी भी जगह नहीं बचेगी। बिल्कुल, तो एक साफ तौर पर हमने देखा कि दो लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना कंफर्टेबल चीज है लेकिन तीसरे व्यक्ति का सीट बेल्ट लगाना उतना संभव नहीं हो सकता। लेकिन सर जाना चाहेंगे, आप खुद एक्सपर्ट हैं, इंडिया की अगर हम बात करें तो जनरली ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करते हैं कि कार में अपने आप को अकोमोडेट कर सकें, तो उन लोगों के लिए ये सिस्टम कैसा रहेगा? उन लोग के लिए तो अगर समझो 4 जन बैठना है तो मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रॉपरली सीट बेल्ट पहन सकेगा। अगर समझो पीछे 4 लोग को बैठना है या 3 एल्डर को भी भेज बड़े लोगों को भी बैठना है तो भी इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसमें नहीं बैठ सकते। हाँ लेकिन अभी आप एक कुछ टेक्निकलिटीज़ बता रहे थे कि आगे जो नई गाड़ी आएंगी शायद उसमें ये फीचर हो, और अगर पुरानी गाड़ियों को ये फीचर एडॉप्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे? पुरानी गाड़ी में एडॉप्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि उसको जो स्पेस है स्पेस के लिए उन्होंने जो लेगरूम या जो बनाया है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना तो बहुत मुश्किल वाला बात है, और हो सकता है इट्स टाइम और पैसे का मतलब बहुत खर्चा आ सकता है। लेकिन नहीं में उन लोग को अगर समझो 3 जन को बिठाना है 5 सीटर बनाना है तो ये पीछे का जो है वो पोर्शन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट से आपने समझा कि बैक सीट पर सीट बेल्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या बदलाव आएंगे, ना सिर्फ इसमें बीप का साउंड आएगा, पेनल्टी लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के मद्देनज़र ये एक बहुत अहम बड़ा स्टेप लिया जा रहा है। लेकिन देखना ये भी होगा कि जितना इस नियम को लागू करना आसान हो जाएगा या लोगों के लिए इसे अडॉप्ट करना मुश्किल होगा, उतना ही मुश्किल होगा गाड़ी के अंदर इस पूरे सिस्टम को फिट करना। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 3 लोग भी सीट बेल्ट लगाकर एक कार में नहीं बैठ सकते हैं रेयर सीट पर, आगे देखना ये होगा कि जब सरकार इस पर अभी भी सोच विचार कर रही है निर्णय लेने के पहले तो वो इन टेक्निकल चीजों को लेकर आगे किस तरह से लोगों की क्लैरिटी को साफ करती है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए मुंबई से।